पंजाब के पटियाला में बैंक कर्मचारियों की आंखों में धूल झोंककर एक बच्चे ने 35 लाख का चूना लगा दिया। बच्चा स्टाफ के सामने 35 लाख रुपए से भरा बैग लेकर आसानी से फरार हो गया। कर्मचारियों को जब तक कैश के बारे में भनक लगी तब तक बच्चा उनकी पहुंच से दूर जा चुका था। मामला पटियाला के शेरा वाले गेट पर SBI की जोनल शाखा का है, जहां पर करीब 12 साल का एक लड़का अपने एक साथी के साथ मिलकर शाखा में पहुंचा। स्टाफ जब काम में व्यस्त था, ग्राहकों के काम निपटा रहा था, तभी बच्चा 35 लाख रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गया। चोरी की इस घटना से पुलिस भी हैरत में पड़ गई है। चूंकि 35 लाख रुपए से भरा यह बैग कैशियर ने ATM में पैसा लोड करने के लिए रखा था। बैंक में सरेआम हुई इस चोरी पर शक है कि कैश के बारे में बच्चे को पहले से पता था। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक घटना बुधवार दोपहर करीब 12:30 बजे की है, जब कैशियर ने बैंक की तिजोरी से पैसे ATM में लोड करने के लिए निकाले थे। जैसे ही वे कैश के बैग को केबिन के अंदर लावारिस छोड़कर गया, एक लड़का अंदर घुसा और चुपके से बैग लेकर 9:40 हो गया। चोरी की इस घटना को कुछ लोगों ने देखा भी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कैश के वजन के कारण बच्चा ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। पुलिस ने बैंक के CCTV फुटेज को चेक किया तो पता चला कि बच्चे के साथ एक व्यक्ति भी था, जिसने बैंक के बाहर निकलते ही एक ई रिक्शा को रोका और कैश लाद कर फरार हो गया। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि लड़के को बैग ले जाने के लिए बकायदा ट्रेंड किया गया था। उसने अपराध को पूरी सफाई से अंजाम दिया था। लड़का अच्छी तरह से जानता था कि बैग कहाँ है और बिना किसी संदेह के केबिन के अंदर चला गया। बैंक अधिकारियों ने कहा कि यह घटना उस समय हुई जब कर्मचारी और कैशियर मुख्य शाखा के बाहर लगे ATM में नकदी भर रहे थे। एक अधिकारी ने कहा कि आमतौर पर उन केबिनों में बिना अनुमति के किसी को जाने की इजाजत नहीं होती। पुलिस अधिकारियों को शक है कि चोरी की इस वारदात में कुछ अंदरूनी लोगों की भूमिका हो सकती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि कैशियर ने बैग को केवल 3 से 5 मिनट के लिए अलावारिश छोड़ा था। पुलिस ने शक के आधार पर 2 कर्मचारियों से पूछताछ की। पटियाला के SSP दीपक पारिक का कहना है कि आरोपियों का पता लगाने के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। हमारे पास कुछ सुराग हैं और हम इस मामले को जल्द सुलझा लेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। पता है आ रहे हैं बहुत वाले।